आपका दोस्त भरत इंदौरी और आप सभी को मेरा हेलो। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अगला ब्लॉग। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक्स नहीं किया तो कर दीजिए। और दोस्तों मैं आज आपसे मिलाने वाला हूँ हमारे दो नए यंग साइंटिस्ट। मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो सोच है मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी सोच है। और ये देखिए क्या क्या बातें कर रहे हैं, मैं आपसे बात करवाता हूँ। हाँ भाई, क्या कोरोना वोरोना की कोई दवाई बना रहे हो क्या? Yes. अच्छा, तो कब से बनाना चालू करी वापस? आज. अच्छा, आज से वापस आपने चालू कर दी? हाँ, yes. अच्छा, क्यों वापस क्यों चालू करी आपने? हम इसलिए वापस बना रहे क्योंकि वापस कोरोना आ गया है। अच्छा, कोरोना वापस आ गया है तो अच्छा, ये बताइए क्या क्या हमको उसके लिए सेफ्टी रखना चाहिए? अच्छा, मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी आजकल मास्क नहीं पहन रहे, तो आप क्या बोलना चाहेंगे, उनको पहनना चाहिए नहीं चाहिए मास्क? यस, पहनना चाहिए ना। yes. आपका भी यही कहना है। अच्छा, आप इसीलिए दवाई बना रहे हैं क्या? yes. अच्छा, तो मतलब और क्या चीजें अपने को करना चाहिए जिससे कोरोना खत्म हो? अच्छा, अच्छा मास्क लगा, मतलब मास्क तो पहले जरूरी है। अच्छा, भीड़ भाड़ इलाके में जाना चाहिए क्या हमको? अगर वहाँ जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अच्छा, सेफ्टी भी रखना चाहिए, सैनिटाइजर और इनकी बात करो सेफ्टी में। अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब कहीं पे भी जाए तो उसमें से वो सैनिटाइजर ले जाए, मास्क ले जाए। अच्छा, तो मास्क केवल हाथ में रखना है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे पहनते हैं जैसे मास्क, ये ऐसे पहन लिया तो ऐसे पहनना चाहिए क्या मास्क? तो फिर कैसे मास्क? अच्छा, ये मास्क का चाहिए क्या मास्क? तो फिर कैसे, क्या इसको इस तरह से पहनना चाहिए? नो no, अच्छा ये इस तरह से पहनना चाहिए क्या? yes. अच्छा, तो बहुत सारे लोग ऐसे पहनते हैं ना? मैं बताऊंगा। हाँ, बहुत ऐसे पहनना चाहिए क्या हमको मास्क? ऐसे ऐसे भी पहनना चाहिए और ऐसे भी, क्योंकि जब भी कोरोना आता है जट से अपन ऊपर कर लो ऐसा, तो हमेशा ऐसा रखना चाहिए। yes. अच्छा ठीक है, तो अभी आप कोरोना की दवा बना रहे हो मतलब, तो अभी फटाफट सबके लिए जल्दी बन जाएगी क्या? जल्दी बन जाएगी सबके लिए? अच्छा बन जाएगी, लेकिन अभी सुखाने के लिए रखी है उसको। दोस्तों इसमें जो दवा है वो सूखने के लिए रखी है। वाह भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा, वो दवा आई नहीं आई? आज जो हमने दवा बनाई है उसका थोड़ा कल इन्विटेशन आएगा, हमने उसे रखी है। अच्छा रखी, कल इन्विटेशन आएगा। ठीक है भाई साहब। अच्छा, ये तो बात हो गई, मुझे बताइए सबसे बड़ी चीज तो ये बताइए कि क्या दवाई आए तब तक लोगों को केवल ऐसे ही घूमना चाहिए क्या मार्केट में? नो, मास्क लगा के घूमना चाहिए है ना, मतलब ये जरूरी है ना, ऐसा आप बोलना चाहते हो? हाँ। तो हम सब बोलते हैं आप सबको कि मास्क लगाना है चाहे कोरोना हो या ना हो, इसी से एक दूसरे की सेफ्टी रह पाएगी। ओके, थैंक यू बोल दो। थैंक यू, बाय 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 बाय। तो दोस्तों, आप अगर जानना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में छोटे छोटे बच्चों में कितना टैलेंट है, तो वो एक टैलेंटेड बच्चे से मैं आपको भी मिलवाता हूँ। आ जा भाई, आ जा, चल पहले नाम। इसने बनाई है बंदूक, अब आप देखो कलाकारी देखो इसकी, ये पूरी तरह से कागज मेड। और ये क्या लगा रखा है? इधर आना तू, ये क्या लगा रखा है? ये तो पकड़ने। अच्छा ये नहीं, तो ये प्लास्टिक। अच्छा ये क्या है, कार्टून? पुस्ता। पुस्ते के साथ पूरी इस तरह से बंदूक, जैसे रियल बंदूक होती। अरे आप सोचेंगे रियल क्या, प्लास्टिक की पर उसकी कागज की ये वो, लेकिन आप जरा सोचो इसकी उम्र इतनी छोटी और ये इतनी अच्छी चीज़ें बना रहा है, तो ये सोचने वाली बात है पहली चीज़ तो। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक मॉडल टाइप दिख रही है, बाकी बस ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे डरा लो। जी नहीं दोस्तों, इसमें कुछ और खास है जो मेरे को लगा। अब देखिए इसको निकालना जरा, ये देखिए इसने कुछ बंदूकें में जो गोलियाँ रहती है, दिखाना एक मिनट, ये जो गोलियाँ रहती इसके अंदर गोलियाँ हैं, और इसको गोलियों को चलाते कैसे वो भी जरा दिखाना भाई। देखिए वो गोली निकाल रहा है वो, अब वो गोली चलाएगा भी सही। ये रखी गोली, देखिए आप देख सकते हैं, रुक जाइए
ये देखिए, आप इसके अंदर आपको ये दिख रही होगी गोली, ये गोली जो दिख रही है आपको, ये गोली अब चलाएगा भाई। कैसे चलेगी जरा बताना, थोड़ा ऊपर लेना। हाँ हाँ, देखें ये देखो, वो गोली उधर चली गई। अब आप देखो इसको कलाकारी कितनी अच्छी सी इसने लगाई है। ये देखिए आप, मतलब ये बंदूक, और ये इधर से घिसता है, ये भी कलाकारी है, और यहाँ से छूटती है बंदूक। जरा देना मेरे को वापस गोली, ये बंदूक की गोली जो है, ये देखिए ये बंदूक की गोली दिख रही है, ये बंदूक हमने इसमें डाली, ये देखिए ये इसमें डाली, ये चली गई इसके अंदर, आपको दिख रही होगी हो सकता है। ये देखिए आप बच के रहिएगा, आपकी तरफ आने वाली बंदूक की गोली देखिए ये। अब आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा, कितना शानदार टैलेंट हमारे इंडिया के बच्चों में है।